कक्षा 6 से 10 के लिए वर्गमूल ज्ञात करना। ये बच्चों सभी कक्षाओं में, कक्षा 6 से लेकर अब और जितनी भी कक्षाएं हैं उसमें वर्गमूल निकालना एक कॉमन सेंस की बात है, कॉमन बात है, जो सभी कक्षाओं में एक एक दो दो प्रश्न मालाएं दी होती है और अन्य सवालों में भी अपने को वर्गमूल ज्ञात करना पड़ा है। इसलिए ये सभी कक्षाओं के लिए ज़रूरी है कि आपको वर्गमूल ज्ञात करना आना चाहिए। वैसे वर्गमूल ज्ञात करने की कई विधियाँ हैं, तो मुख्य तौर पर अपने इन पे 3 विधियों पर चर्चा करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं। प्रथम विधि है बार बार घटाने की विधि, दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरी है भाग विधि। अपने इन 3 विधियों का बार बार अभ्यास करके सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज हम अपने पहली विधि बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे 81 का वर्गमूल ज्ञात करना है, इसको बार बार कैसे घटाएंगे, इसको अपने 1 से प्रारंभ करना है और विषम संख्याएं हैं उसमें से जो संख्या प्राप्त होगी उसमें से एक विषम संख्या बढ़ाते हुए घटाते जाएंगे और एक स्टेप ऐसी आएगी स्टेज जहां पर ये दोनों संख्याएं शून्य हो जाएगी, तो वहीं पर हमारा उत्तर प्राप्त होगा और हमें गिनना है कि हमने कितनी बार बटाने पर हमें शून्य प्राप्त हुआ, वही हमारे प्रश्न का हल होगा। तो 1 से कैसे घटाना है, जैसे विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ये घटाते जाएंगे और एक समय आएगा जब अपने पास संख्याएं शून्य में बदल जाएगी। तो जैसे इसमें से 81 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 1 से प्रारंभ करके विषम संख्या घटाते जाएंगे और अंत में हमारे पास 0 प्राप्त होने पर हमारा उत्तर प्राप्त होगा। जैसे 81 में से 1 घटाया 80, 80 में से 3 घटाया 77, 77 में से 5 घटाने पर 72, 72 में से 7 घटाने पर 65, 65 में से 9 घटाने पर 56, 56 में से 11 घटाने पर 45, 45 में 13 घटाने पर 32, 32 में 15 घटाने पर 17 और 17 में से 17 घटाने पर 0। तो बच्चों हमारे पास 17 अंत में ये हमारे पास 0 प्राप्त हुआ है, अतः हमारा सवाल यहीं पे हल होता है। तो अब हमने देखना है ये कितनी बार घटाने पर हमें 0 प्राप्त हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 9 बार घटाने पर 0 प्राप्त हुआ, अतः 81 का वर्गमूल 9 होगा क्योंकि 9 बार घटाने पर हमें 0 प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से आप दी गई आगे की संख्याएं हैं आप इनका अपने अभ्यास पुस्तिका में वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 64 का, 100 का, 169 और 256 का आपने अपना वर्गमूल निकाल करके और मुख्य अभ्यास पुस्तिका में इसको नोट करना है। अब है दूसरी विधि अभाज्य गुणनखंड विधि। जिस प्रकार हमने किसी संख्या के टुकड़े करके और उसके दो दो के जोड़े बना करके उन जोड़ों में से एक एक अंक लेकर के आपस में गुणा करने पर हमें हमारा उत्तर प्राप्त होगा, तो इस विधि में दी गई संख्याओं के टुकड़े किए जाएंगे, उन टुकड़ों के दो दो के जोड़े बनाकर उनमें से एक एक अंक लेकर आपस में गुणा कर देंगे और हमारा वर्गमूल होगा। जैसे 64 का वर्गमूल ज्ञात करना बता रहे हैं आपको, 64 में 2 का भाग देने पर 32 प्राप्त होगा, 32 में 2 का भाग देने पर 16 प्राप्त होगा, 16 में 2 का भाग देने पर 8 प्राप्त होगा, 8 में 2 का भाग देने पर 4 होगा, 4 में 2 का भाग देने पर 2 प्राप्त होगा और 2 में 2 का भाग देने पर 1। जब हमारे पास एक अंक बचेगा तब हमें वही उस संख्या को रोकना है। अब इसमें पास देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब इनमें से अपने दो दो के जोड़े बना लेंगे, उनमें से एक एक कॉमन लेंगे, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, यानी 1, 2, 3, 2 की पावर 3। अब इन 3 बार लिखकर गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। वैसे आप सीधा भी इनमें से ले सकते हैं, 2 में से 1 ले लिया, 2 जोड़े में से 1 ले लिया, 2 जोड़े में से 1 ले लिया, गुणा कर दिया। एक दूसरा सवाल देख लीजिए, दूसरा एक और उदाहरण 1764 का अपने को ज्ञात करना है। तो 1764 में 2 का भाग देने पर 882 प्राप्त होता है, 882 में 2 का भाग देने पर 441 प्राप्त होता है। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा
क्योंकि जब पीछे 1, 3, 5, 7 या 9 का अंक हो इकाई का, उसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है। अब अपने इन अंकों का योग प्राप्त करते हैं, 4, 4, 8 और 1, 9। तो 9 3 के भाग पाड़े से विभाजित होता है अंक 3 से, तो अपने 3 का इसमें भाग देने पर 147, फिर 7 और 4, 11 और 1, 12 यानी 3 का भाग पूरा जाएगा 49। अब इसमें 2 का भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, अब 7 का भाग जाएगा, 7 7 49 और 7 1 7। अब अपने पास जोड़े प्राप्त हुए 2 2 3 3 7 7, 2 2 3 3, इनमें से 2 2 के जोड़े बनाकर आपस में गुणा करने पर 2 3 6 7 42, तो 1764 का वर्गमूल होगा 42। इस प्रकार आप भी अभाज्य गुणनखंड विधि से नीचे दी गई संख्याओं के वर्गमूल प्राप्त करेंगे, 729, 400, 40, 96, 196, 296, 294 और 92, 16। तो इस तरह से आप अपने अभ्यास पुस्तिका में इन दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करके और लिखेंगे। धन्यवाद।